हमने लास्ट चैप्टर में टैक्सेबल इवेंट के बारे में किया था एंड टैक्सेबल इवेंट में मैंने आपको क्या बताया था कोई भी ऐसी घटना जिसके घटित होने पर टैक्स लेवी होता है दैट इवेंट इज नोन एज टैक्सेबल इवेंट जिस घटना के घटित होने पर टैक्स लेवी हो जाता है इज नोन एज टैक्सीबल इवेंट और जीएसटी के केस में टैक्सीबल इवेंट क्या है स्कोप सॉरी सप्लाई सप्लाई इज द टैक्सीबल इवेंट इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई ऑफ वॉट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस और सप्लाई का जो स्कोप है वो हम कहा कर चुके हैं इन द लास्ट चैप्टर तो अगर आप सप्लाई के अंडर आते हैं और सप्लाई का स्कोप कहाँ पे लिखा है स्कोप ऑफ सप्लाई कहा लिखा है अंडर सेक्शन सेवन अगर आप सप्लाई के सेक्शन सेवन के अंडर आ जाते हैं तो आपने सप्लाई किया है आप आपने टैक्सेबल इवेंट करी है और अगर आपने टैक्सेबल इवेंट करी है तो आपके ऊपर टैक्स टैक्स हो हो जाएगा हो जाएगा लेवी नाउ आर चैप्टर इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स अब लेवी का मतलब क्या है लेवी मींस लागू होना जिस घटना पे घटित होने पर टैक्स आपके ऊपर लागू हो जाता है इम्पोज हो जाता है उसे आप कहते हैं लेवी लेवी को आप इम्पोजिशन भी कहते हैं इंपोजिशन लागू होना सो so, लेवी एंड कलेक्शन कलेक्शन का मतलब क्या है टैक्स इकट्ठा करना सबसे पहले तो बेटा लेवी होगा टैक्स टैक्स लागू होगा और टैक्स लागू होने के बाद टैक्स कलेक्ट होता है कलेक्ट मतलब टैक्स की जब हम पेमेंट की बात करते हैं टैक्स कलेक्शन। कलेक्शन में आप टैक्स पे कर देते हैं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट पार्ट इज लेवी एंड सेकेंड पार्ट इज कलेक्शन लेवी का मतलब बता चुकी हूं आपको टैक्स लागू होना लेवी आगे दो पार्ट में डिवाइडेड है इंपोजिशन ऑफ टैक्स एंड assessment of tax, imposition of tax में क्या होता है जो tax है लागू होता है और assessment में tax का मूल्यांकन किया जाता है कि भाई कितना टैक्स आपको पे करना है लागू होना उसके बाद लागू हो गया लागू होने के बाद यह देखा जाता है कि जो टैक्स है वो कितना बनता है टैक्स का मूल्यांकन किया जाता है और फाइनली टैक्स की पेमेंट होती है कलेक्शन में आप क्या करते हैं टैक्स पे करते हैं क्या ये तीनों चीजें इकट्ठी होना जरूरी है नो no. टैक्स लागू कब होता है बेटा टैक्स लागू होता है जब आप सप्लाई करते हैं जैसे ही आप सप्लाई करेंगे वैसे ही आपके ऊपर टैक्स लागू हो जाएगा और सप्लाई में क्या है सप्लाई में सेवन फॉर्म्स हैं। सेल करना ट्रांसफर बार्टर, एक्सचेंज लीज रेंटल लाइसेंस आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो आप एक टैक्सेबल इवेंट कर रहे हैं और जैसे ही आप टैक्सेबल इवेंट करते हैं वैसे ही टैक्स आपके ऊपर लागू हो जाता है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर करी आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जैसे ही आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करे वैसे ही आपके ऊपर टैक्स लागू हो गया क्योंकि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी घटना है जिसके घटित होने पर आपको जीएसटी पे करना है जैसे ही टैक्स आके आपके साथ चिपक जाएगा वैसे ही आप कहेंगे कि टैक्स आपके ऊपर इम्पोज हो गया लेवी हो गया अब टैक्स तो इम्पोज हो गया अब आगे क्या देखना है कि भाई टैक्स पे कितना करना है अब टैक्स कि पेमेंट कितनी करनी है आपको मूल्यांकन करना है ये जो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करी हैं वो कितनी वैल्यू की हैं जब आप गुड्स रिमूव करते हैं फैक्ट्री से गुड्स रिमूव्ड फ्रॉम फैक्ट्री जहाँ पे आप गुड्स बना रहे हैं जब आप वहाँ से गुड्स को रिमूव करते हैं उस टाइम पे आपको मूल्यांकन करना होता है कि आपको कितना टैक्स पे करना है क्या आप टैक्स यहीं पर पे कर दोगे जैसे ही आप गुड्स को फैक्ट्री में से निकालते हो क्या साथ की साथ आप टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देते हैं नहीं टैक्स आप जमा करवाते हैं कुछ देर बाद हो सकता है अगले महीने करवाएं हो सकता है तीन महीने बाद करवाएं तो जो पेमेंट ऑफ टैक्स है वो आप कब करवाएंगे एग्जाम्पल आप हर महीने जमा करवा सकते हैं मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स ये तीनों चीजें अलग अलग टाइम पर हो सकती हैं। लेवी ऑफ टैक्स अलग टाइम पे होगा और कलेक्शन ऑफ टैक्स अलग टाइम पे होगा आप चाहे तो इकट्ठे भी कर सकते हैं जैसे जैसे आप सप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स देते रहे मान लीजिए आज मैंने सेल करी आज सेल करी मैं आज ही जाकर आज मैंने अपने कस्टमर को वन लाख ,00 की सेल करी वन लाख ,00 की सेल करी इस वन लाख ,00 में नाइन्टी थाउजेंड की मेरी वैल्यू थी गुड्स की और दस हजार मैंने जीएसटी कलेक्ट किया था मैंने अपने कस्टमर से एक लाख ,00 रुपया ले लिया जिसमें दस हजार क्या है जीएसटी है मैं चाहूं तो आज ही के आज जाके इस जीएसटी को गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा सकती हूँ लेकिन ऐसा तो मुझे बहुत बार करना पड़ेगा आज के दिन में अलग अलग टाइम पे मेरी मान लीजिए दस ट्रांजेक्शन ऐसी हुई मैंने दस ट्रांजेक्शन सेल की करी तो क्या मैं दस बार बैंक चाहूंगी मैं क्या मैं दस बार गवर्नमेंट को पैसे जमा करवाऊंगी क्या मैं दस बार जीएसटी जमा करवाऊ आज का अलग फिर कल का अलग करवाऊ ऐसे ही इकतीस दिन का अलग अलग दिन करवाऊ तो पागल हो जाऊंगी तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि टैक्स तो आपके ऊपर लागू आज हो सकता है आप उसकी असेसमेंट भी करके रखो कि मुझे इतना टैक्स पे करना है ये देखिए कि मुझे इतना टैक्स पे करना है मैंने असेसमेंट भी कर ली कि मुझे दस हजार टैक्स पे करना है लेकिन पेमेंट ऑफ टैक्स को मैं डिले कर सकती हूँ पेमेंट ऑफ टैक्स को मैं लेट कर सकती हूँ मुझे साथ की साथ टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है हर महीने के एंड में जाकर मैं पिछले महीने का टैक्स इकट्ठा करके जमा करवा दूंगी पिछले महीने के इकतीस दिन का जितना भी टैक्स बनेगा मैं टोटल अगले महीने की स्टार्टिंग में जमा करवा दूंगी तो मुझे बार बार जीएसटी जमा करवाने की जरूरत नहीं है मैं एक ही बार जाकर पेमेंट कर दूंगी सो इम्पोजिशन असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ टैक्स ये तीनों अलग अलग टाइम पर हो सकते हैं एग्जाम्पल देखिए है। मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चर करना गुड्स बनाने शुरू करे मैंने 10 सितंबर को 10 सितंबर को जैसे ही मैंने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी वैसे ही मेरे ऊपर टैक्स लागू हो गया पर यहां पर मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितना टैक्स पे करना है फिर मुझ मैंने गुड्स को रिमूव किया फैक्ट्री से मैंने फैक्ट्री से गुड्स को रिमूव किया किस पर्पस के लिए सेल करने के लिए मैंने गुड्स को फैक्ट्री से रिमूव किया सेल करने के लिए मान लीजिए पंद्रह अक्टूबर को तो मैं टैक्स को एसेस कब करूंगी मैं टैक्स का मूल्यांकन कब करूंगी पंद्रह अक्टूबर को टैक्स लगा कब टैक्स लग गया दस सितंबर को लेकिन मैं टैक्स का मूल्यांकन कब करूंगी जब मैं गुड्स को सेल करूंगी फिफ्टी अक्टूबर को एंड फाइनली ये टैक्स क्या मुझे आज ही के आज जमा करवाना पड़ेगा क्या मुझे फिफ्टी अक्टूबर को ही जमा करवाना पड़ेगा नहीं जी अक्टूबर के महीने का जितना भी टैक्स है वो मैं सारा नेक्स्ट मंथ की 20th को जमा करवा दैट इज़ इज़ नवंबर। सो दिस हाउ योर लेवी एंड कलेक्शन गोस ये तीनों साथ साथ होना जरूरी नहीं है एक टाइम पे आप लेवी करते हैं टैक्स दूसरे पे टैक्स की असेसमेंट होती है और तीसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टैक्स है उसकी पेमेंट की जाती है किसी को कोई डाउट्स हैं तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है रिशु फोर्टी टू ओके रिशु आपकी अटेंडेंस में बाद में मार्क कर दूंगी सो दिस इज हाउ लेवी एंड कलेक्शन गोल्स अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए देन विल प्रोसीड फर्दर लेवी एंड कलेक्शन अंडर सी जी एस टी अटेंडेंस को छोड़कर अपने डाउट्स पूछिए बेटा स का जो पार्ट है वो स्टार्टिंग में या एंड में चैट बॉक्स में आई डोंट टू सी एनी अटेंडेंस पार्ट स्टॉप मैं रोल नंबर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन नाइन ऑफ सी जी एस टी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट का सेक्शन नाइन है जो कि आपको लेवी एंड कलेक्शन के प्रावधानों के बारे में बताता है कितने प्रोविजंस हैं इसके वी है कितने प्रोविजन हैं लेवी एंड कलेक्शन के अंडर सेक्शन नाइन वी हैव फाइव प्रोविजन फर्स्ट इज नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज जिसको एनसीएम कहते हैं सेकेंड चैप्टर के फीचर्स में मैंने आपको एनसीएम का पार्ट करवाया था सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस बारे में भी हम सेलियंट फीचर्स में डिस्कस कर चुके हैं थर्ड इज रिवर्स चार्ज रिवर्स चार्ज को आर भी कहते हैं सेकेंड चैप्टर सेलियंट फीचर्स में डिस्कस कर लिया है दोबारा से करेंगे इसे अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ इस बारे में भी हम पार्शियली डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन क्या क्या है इसके एनसीएम इज अंडर सेक्शन नाइन दिस इज अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन नाइन थ्री दिस इज अंडर सेक्शन नाइन फोर एंड सेक्शन नाइन फाइव सो वी हैव फाइव प्रोविजन अंडर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इन सी जी एस टी तो देखते हैं स्टार्ट करते हैं नाइन वन से योर फर्स्ट प्रोविजन इज नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज दैट इज एन सी एम एन सी एम में देखिए बच्चे क्या होता है हेयर इज योर सप्लायर जो कि आपको गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एंड हेयर इज यंट रिसिपियंट कौन है जो इन गुड्स या सर्विसेज को रिसीव करेगा उसे कहते हैं रिसिपियंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉर्मल चार्ज के केस में जो सप्लायर है वो रेसिपियंट को गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उससे पेमेंट लेता है पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसको इसने सप्लायर ने रेसिपियंट को गुड्स प्रोवाइड करे और बदले में रेसिपियंट ने सप्लायर को पेमेंट दे दी गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करी वन लाख, वन लाख में नाइनटी थाउजेंड कॉस्ट और टेन थाउजेंड जीएसटी की पेमेंट कर दी रेसिपियंट ने किसे सप्लायर को अब ये जो सप्लायर है ये क्या करेगा ये जीएसटी ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड जो कि इसने रेसिपियंट से कलेक्ट किया है इस जीएसटी की पेमेंट किसको कर देगा गवर्नमेंट को कर देगा इस तरह से आपका नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म चलता द गवर्नमेंट कौन टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को सप्लायर पे करता है टैक्स टू द गवर्नमेंट लेकिन कलेक्ट किससे करता है रेसिपियंट से करता है सो योर सेक्शन नाइन वन कि जो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है वहाँ पर जो सप्लायर है सप्लायर इज द टैक्सेबल पर्सन बताइए कौन है सप्लायर इज द टैक्सेबल पर्सन क्योंकि सप्लायर को टैक्स जमा करवाना है इन द गवर्नमेंट गवेंट को दिस इज द केस ऑफ एनसीएम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म अब सेकेंड पार्ट आपका आता है इसमें

इस बारे में हमने क्या पढ़ा है सेलियन फीचर्स के टाइम पे हां जी एनी वन प्लीज मैंशन इन द चैट बॉक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए

फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेविड। अब तक ये जीएसटी के परव्यू से बाहर हैं। और वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं पेट्रोलियम क्रूड सेकेंड मोटर स्पिरिट थर्ड मोटर स्पिरिट को आप पेट्रोल भी कहते हैं हाई स्पीड हाई स्पीड डीजल एच एस डी देखिए सेलियन फीचर्स में हम कर चुके हैं ऑलरेडी आपकी रिविजन हो रही है एक तरह से नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है बताइए कौन सा है एक और प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता पता है कौन सा प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो नहीं है लेकिन यस हरविंदर कौर इलेक्ट्रिसिटी ग्रेट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता आपकी ये छह प्रोडक्ट्स की लिस्ट है लेकिन क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितने हैं वी हैव फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये उनकी लिस्ट है थर्ड इज टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस में, में ना जिसको कि आप आरसीएम भी बोलते हैं इसमें आपके पास ना एक लिस्ट होती है सेक्शन क्या है पहले तो इसका योर सेक्शन इज नाइन थ्री और इसमें एक लिस्ट है वो लिस्ट हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे अगर आप उस लिस्ट में फॉल करते हैं तो आपको टैक्स पे करना होता है टैक्स टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज। तो आपको आरसीएम के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना होता है आरसीएम का कंसेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं दोबारा से डिस्कस करते हैं मान लीजिए ये है सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस गुड्स और सर्विसेज़ और ये है जो गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर रहा है जिसे आप रिसिपियंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं मान लीजिए इस लिस्ट में एक पर्सन है एडवोकेट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एडवोकेट ये जो एडवोकेट है ये रिसिपियंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कौन होता है एडवोकेट वकील वकील अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है रेसिपियंट को और मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है और इन सर्विसेज के लिए जो ये वकील है ये फीस चार्ज कर रहा है एक लाख की ओके जी अब देखिए यहां पर क्या होगा नॉर्मल केस में क्या था भाई ये देखिए नॉर्मल केस में क्या था नॉर्मल केस में जो सप्लायर है वो टैक्स कलेक्ट करता है टैक्स कलेक्ट किया और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के पास जमा करवा दिया रिवर्स चार्ज में उल्टा होता है बेटा रिवर्स चार्ज में जो सप्लायर है वो टैक्स पे नहीं करता जो रिसिपियट ऑफ सर्विस है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करवाता है तो यहाँ पर जो रिशिपियंट है वो गवर्नमेंट के पास जीएसटी डिपॉजिट करवाएगा नॉर्मल केस में नॉर्मल चार्ज में क्या होता है सप्लायर जमा करवाता है टैक्स गवर्नमेंट के पास लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसिपियंट ऑफ सर्विस है वो टैक्स जमा करवाएगा टू द गवर्नमेंट सो अगर हम रिवर्स चार्ज की बात करें तो रिवर्स चार्ज के केस में हु इज द टैक्सेबल पर्सन रिसिपियंट इज द टैक्सेबल पर्सन नॉर्मल चार्ज के केस में सप्लायर इज द टैक्सेबल पर्सन एंड रिवर्स चार्ज के केस में रिसिपियंट इज द टैक्सेबल पर्सन आई होप आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझ में आ गया है रिवर्स चार्ज को फर्दर जब हम इलाबोरेट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है नाइन फोर फोर्थ पार्ट जो हमारा लेवियन कलेक्शन का फोर्थ पार्ट है दैट इज सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन है नाइन फोर ये है सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ये है आपका रेसिपियंट सप्लायर ने रेसिपियंट को गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करे और पेमेंट कर दी रुपीज वन लाख की यहाँ पर जो सप्लायर है वो छोटा मोटा सा कोई बंदा है रेडी वाला ट्रक वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है इसने जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी लेकिन जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रजिस्टर्ड रजिसपियंट ऑफ सर्विस है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है ये एक बड़ी कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है जिसने जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन ले रखी है सो so पर पर ये है है कि यहां पर जो सप्लायर वो अनरजिस्टर्ड है और जो रेसिपियंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन है सो so क्योंकि इसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कायदे से ये जीएसटी कैसे जमा करवा सकता है गवर्नमेंट के पास सो so यहाँ पर एक लाख के ऊपर जो जीएसटी जमा करवाएगा वो कौन जमा करवाएगा वो रेसिपियंट जमा करवाएगा रेसिपियंट जमा करवाएगा सो so, यहाँ पर भी रेसिपियंट ने जमा करवाया था टैक्स और यहां पर नाइन फोर में भी रेसिपियंट जमा करवाएगा टैक्स सो अकॉर्डिंगली जहाँ पर टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर आती है वो जा आ जाता है कौन से में आरसीएम में सो so हमारे पास आरसीएम में दो केसेस हैं एक सेक्शन 93 और दूसरा सेक्शन 94 93 और 94 में क्या फर्क है दोनों आरसीएम ही हैं दोनों केसेस में टैक्स लायबिलिटी किसकी ऊपर आती है रेसिपिएंट के ऊपर आती है लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि 93 में एक स्पेसिफाइड लिस्ट है ये डिफरेंस है यहाँ पर नाइन थ्री में एक स्पेसिफाइड लिस्ट होती है जिसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे किया जाता है एक लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके ऊपर नाइन थ्री लगता है लेकिन जो नाइन फोर है वो एक जनरल केस है जहां पर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है रेडी वाला या फिर ट्रक वाला ठीक है जी या और जो रिसिपियंट ऑफ द सर्विस है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है दोनों केसेस आर के हैं क्योंकि दोनों केसेस में टैक्स जमा कौन करवा रहा है रेसिपियंट जमा करवा रहा है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज है यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन है सो so, यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन अगेन कौन रहता है रेसिपियंट इज द टैक्सेबल पर्सन सो so, सी से रिलेटेड आपके पास दो सेक्शन हो गए नाइन थ्री एंड नाइन फोर दोनों में ही आरसीएम के अकॉर्डिंगली जो रेसिपियंट है वो टैक्स जमा करवाता है यहां पर मैं मेंशन कर देती हूँ आर दो पार्ट्स नाइन थ्री एंड नाइन फोर और इन दोनों केसेस में टैक्सेबल पर्सन कौन होता है टैक्सेबल पर्सन इज द रिसिपियंट उसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसको आप ईसीओ e कहते हैं ईसीओ e के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर यहां पर टैक्स कौन जमा करवाएगा देखिए ईसीओ e में दो पार्ट्स हैं पहले तो अगर ईसीओ की फिजिकल प्रेजेंस फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी है मींस अगर इंडिया में उसका कोई ऑफिस है तो वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर इज द टैक्सेबल पर्सन वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद टैक्स जमा करवाएगा क्योंकि यहां पर वो खुद प्रेजेंट है जहां पर दूसरा केस क्या है डज नॉट फिजिकल प्रेजेंस जहां पर वो फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट नहीं है डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी जहां पर वो खुद इंडिया में प्रेजेंट नहीं है वहां पर आप देखेंगे क्या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि क्या उसका इंडिया में कोई प्रतिनिधि है या फिर उसका इंडिया में कोई प्रतिनिधि नहीं है अगर प्रतिनिधि है तो टैक्स जमा कौन करवाएगा तो टैक्स जमा कौन करवाएगा प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव टैक्स पर्सन रेप्रेजेंटेटिव का जो प्रतिनिधि है वो टैक्स जमा करवाएगा और अगर representative नहीं है तो जो भी व्यक्ति है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको भी नियुक्त करेगा अपॉइंटेड पर्सन इज द टैक्सेबल तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में आप देखेंगे कि क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर की इंडिया में प्रेजेंस है या नहीं अगर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद टैक्स जमा करवाएगा और अगर उसकी इंडिया में प्रेजेंस नहीं है तो देखिए क्या उसका कोई प्रतिनिधि है या नहीं अगर प्रतिनिधि है तो वो प्रतिनिधि टैक्स जमा करवाएगा और अगर प्रतिनिधि नहीं है तो देखिए कोई ना कोई व्यक्ति तो नियुक्त कर रखा होगा जिस व्यक्ति को नियुक्त कर रखा होगा वो जीएसटी जमा करवाएगा बाकी पार्ट हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट इस चैप्टर का खत्म हो गया है